कैसा लगा आपको ये नाटक? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। सही तो कहा था नाटक में, हमें डरना नहीं चाहिए एचआईवी एड्स से, उससे मुकाबला करना चाहिए। एचआईवी रोगी से नफरत नहीं करना चाहिए, नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार करने से प्यार बढ़ता है। लेकिन क्या बताएं इन लोगों के लिए जो पाखंडी लोग लोगों को गुमराह कर ही देते हैं। अब मैं बताऊँ आपके लिए, डायरिया समझते हैं आप? अजी वो लूज मोशन लग जाते हैं, अरे वो दस्त लग जाता है ना, हाँ उसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया की बीमारी फैली हुई थी पूरे शहर के अंदर, लोग परेशान थे, जाए तो जाए कहाँ, दवाई ले रहे थे। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी दुकान खोल के रखी थी कि मंत्र मारेंगे बाबा जी और ऐसा पानी बना कर देंगे जैसे आप पानी पियोगे सारी बीमारी जो है आपके पीछे के रास्ते से भाग जाएगी। लोग बाबा जी के पास जा रहे थे, मैं भी बाबा जी के पास गया। मैंने कहा बाबा जी चमत्कार क्या है हमें बताइए, ये पानी आप भगवान के पास पहुंचाते हैं ये कैसे पहुंचाते हैं हमें बताइए। बाबा जी बोले भाग जाएंगे। जब हमने पकड़ लिए पैर, तन मन धन से सेवा की तो बाबा जी खुश हो, बाबा जी ने बताया कि ये पानी को भगवान के पास कैसे पहुंचाते हैं। आप भाई साहब किसी को भी कोई परेशानी हो तो हमारे पास आए, पानी लेके जाए और अपनी परेशानी को हमेशा के लिए दूर भगाए। तो देखिए पानी भगवान के पास कैसे जाता है, चलिए मैं आपके लिए बताता हूँ। पानी लेकर आइए, ये देखिए ये खाली बर्तन है, इस खाली बर्तन के अंदर पानी डालूंगा, मंत्र मारूंगा, पानी गायब हो जाएगा, पानी भगवान के पास जाएगा। जैसे ही पानी भगवान के पास से वापस आएगा उसे सुबह दोपहर शाम तीन टाइम इस पानी को पीना और रोग कैसा भी हो मां कसम पीछे के रास्ते से भाग जाएगा। पानी मेरा है और कीमत आपकी है, मैं मंत्र मारता हूं आप याद कर देना, पानी गायब करने के काम आएगा। देखिए ना ये बर्तन एकदम खाली है, इस बर्तन के अंदर पानी डाला और मंत्र मारा, हे मिस्टेंटी कभी ठुआ हवा कभी ठुआ 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 ठुआ, पानी गया। पानी कहाँ गया? भगवान के पास गया। अब ये पानी भगवान के पास से वापस आएगा, सुबह तो फिर शाम तीन टाइम इस पानी को पीना और रोग कैसा भी हो भाई साहब कहां से भाग जाएगा, पीछे के रास्ते से भाग जाएगा, क्योंकि परेशानी पीछे की थी। ठीक है तो देखिए अब जब पानी भगवान के पास से वापस आता है, थोड़ी साइड दीजिए भाई साहब, वहीं से आ रहा है, हाँ वहीं से आ रहा है, अरे जरा जगह तो दीजिए तो आप गीले हो जाएंगे, हटिए, हाँ जब बात एक दो तीन घुस, पानी भगवान के पास से वापस आ गया। और इस तरह का पानी खरीद कर लोग बाग अपनी बीमारी भगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बीमारी भाग नहीं रही थी। अब बताइए आप ये पानी भगवान के पास कैसे जाता है, कोई पहुंचा सकता है क्या? लेकिन हाँ बाबा जी के मंत्रों की शक्तियां बड़ा कमाल था, पानी भगवान के पास पहुंच जाता था। लेकिन मैं आज उनकी पोल खोलने के लिए आया हूँ। संत प्रकाशन वालों ने कहा कि हमको पोल खोलना भाई, लोगों को बताना है लोग कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये कोशिश है हमारी और समझने का काम है आपका। तो देखिए ये पानी भगवान के पास कैसे जाता है ये मैं आपको सिखाता हूँ। ये पानी डाला मैंने इसके अंदर, मंत्र मारा एंटी फेंटिकोजी ठुआ, पानी गया भगवान के पास। लेकिन जनाब ये पानी भगवान के पास नहीं जाता है, पानी कहाँ जाता है, है? नहीं मालूम पानी जाता है इसके अंदर वाली पॉकेट में। बात करता ही करता इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो पानी अंदर वाली पॉकेट से बाहर आ जाता है। तो क्या कोई चमत्कार है? नहीं है ना भाई साहब, हाँ इसीलिए कहता हूं कि बिना दिमाग लगाए कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ आंख बंद करके हम विश्वास करते हैं उसे हम बोलते हैं अंधविश्वास, और हमें इस अंधविश्वास को मिटाना है। क्या मजा नहीं आया? अरे जनाब अभी आने वाला है मजा, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे दिखाएंगे आपको एक नाटक, गांव में फैला डायरिया और एक से एक मरीज जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। क्या? अरे आप कोई तंत्र के पास नहीं जा रहा, क्यों? हमने उनकी पोल खोल दी। हाँ तो चलिए देखते हैं नाटक जिसका नाम है रामू काका की जान खतरे में। और रामू काका की जान खतरे में कैसे आती है चलिए देखते हैं इस नाटक में। मैं देखता हूँ कलाकार तैयार होगी नहीं, जैसे कलाकार तैयार हो जाएंगे नाटक शुरू हो जाएगा। जय राम जी, मैं अभी आता हूँ। अरे मान जा रहे भैया, अरे यार पटेल साहब का पहिया भी ससुरा पटेल साहब की तरह है। अरे भाई साहब इसे भजन सुना दिया, इसे कपाल सुना दी, अब बताइए भाई साहब कि इसे क्या सुनाएं कि ये ठीक हो जाए। अरे जाको फिल्मी गाना सुनाओ, फिल्मी गाना। क्या बोले भाई साहब? अरे फिल्मी गाना सुनाओ। ओहो तो जब फिल्मी गाना सुनेंगे हैं, चलो सुना देते हैं। खड़े हो जाओ पटेल साहब।
चला ये दिल चुरा लिया। ओ, अरे हमने तुमसे प्यार करके तुमसे रामू काका आवाज आ रही। ओ रामू काका। ए कौन रे? अरे हम हैं। अरे कहां से बोल रहे हो? अरे पीछे से। अरे यार फेस टू फेस बात करो, कहां से बोल रहे हो तुम? अरे 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 रामू काका हम पीछे खड़े थे। बाबूजी तुम पीछे खड़े थे? हम समझे पता नहीं किसके पीछे खड़े हो। बोलो बाबूजी क्यों मजाक करने की आदत नहीं जाएगी? ए बाबूजी बताइए कैसे आना हुआ? आप तो सवेरे सवेरे काम में भिड़ गए, क्या बात है? वाह बाबूजी अब काम काज नहीं करेंगे। अच्छा तो आप ही बताइए भाई साहब गुजर बसर कैसे होगी? हाँ लेकिन सही है, काम काज के साथ साथ मिलना जुलना भी तो जरूरी है। बिल्कुल सही कही बात बाबूजी, टेम नहीं मिलता। मैं पानी मंगाता हूँ। अरे अरे बंदो, अरे रहने दीजिए, पानी तो रहने दीजिए, मैं पी कर आया पानी। अच्छा हाँ आपके पास एक काम से आया था मैं तो। बताओ बाबूजी क्या काम है? ओ हमें स्कूल के लिए फर्नीचर बनवाना है। क्या बनवाना है बाबूजी? स्कूल के लिए फर्नीचर बनवाना है। स्कूल के लिए फर्नीचर? अरे फर्नीचर नहीं फर्नीचर। अब बाबूजी जब फर्नीचर हमसे कहाँ बनेगा बाबूजी? अरे जो तो शहर में बनता है। वाह रामू काका वाह। अरे आपने ये अस्पताल के लिए इतने इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर बना दिए, और टेबल कुर्सी जरा सी स्कूल के लिए नहीं बनेगी? हाँ देखिए कितना अच्छा बनाया आपने। अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ी मेहनत से बनाया हमने। तो स्कूल के लिए फर्नीचर भी बना दो। तो ठीक है बाबूजी, क्या बनाना है बताइए? हमें एक स्टूल बनवाना है। स्टूल? और एक कुर्सी बनाना है। एक कुर्सी? और एक बनाना है बड़ी सी टेबल। एक बड़ी सी टेबल? बन जाएगी बाबूजी? बन जाएगी। हो हाँ तो इनके पैसे जोड़कर बता दो कितने हुए। पैसे? हाँ बाबूजी, अरे आप तो हमारे गाँव के सभी लोगों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बड़ा बड़ा सब कुछ करते हैं, सबको बड़ा बनाने का कोशिश कर रहा है। हाँ, करते हैं कोशिश करते हैं। तो बाबूजी हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। क्यों पैसे क्यों नहीं लोगे? नहीं बाबूजी नहीं, पैसे तो आपको लेना पड़ेंगे रामू काका। नहीं बाबूजी। अरे आप भी मार्केट से लकड़ियाँ खरीद कर लाते हो? हाँ। कोई फ्री में लाते हो क्या? नहीं तो? नहीं तो पैसे बताओ कितने हुए। पैसे? तो बाबूजी अगर आप कहते हैं तो हम बता देते हैं। वो जो कुर्सी है नहीं? हाँ कुर्सी। कुर्सी के तो हुए 30 रुपए। कुर्सी के 30 रुपए? और जो बैठने का स्टूल होता है नहीं? हाँ स्टूल स्टूल। हाँ भाई। हाँ उसके हुए 40 रुपए। 40 रुपए? हाँ। और जो बड़ी सी टेबल है नहीं? हाँ, उसके हुए 50 रुपए। मतलब कि 30, 40, 50? है बाबूजी। तो जोड़ कर बताओ ना कितना हुआ। है बाबूजी हम क्या जोड़े? अच्छा। हम तो ठहरे काला अक्षर भैंस बना हुआ। क्यों भाई साहब? अरे आप ही जोड़ लो बाबूजी। नहीं रामू काका जोड़ कर तो आप ही को बताना पड़ेगा। अरे आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप दुकान संभाल रहे हैं, जोड़ कर आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा? जोड़ कर बताइए कितना हुआ। जोड़ लेते हैं। हाँ जोड़ी। कौन सी बड़ी बात है? 30, 40, 50 बाबूजी। हाँ 5 कम 50 रुपया से 1 पैसा कम नहीं लेंगे। 5 कम 50 रुपए? जो 30, 40, 50 बताया उसका टोटल 5 कम 50 रुपए मतलब 45 रुपए। अरे रामू काका जो आपने 30, 40, 50 बताया ना उसका कुल योग होता है 120 रुपए। 120 रुपए? 120 रुपए? हाँ और आप 45 रुपए बता रहे हैं। हे बाबूजी अभी आ रहा। अरे अरे अब कहाँ जा रहे हैं? अब बाखला साहब आए थे। अच्छा बैलगाड़ी बनवा के ले गए। हाँ 40 रुपए पकड़ा गए। ये देखिए 40 रुपए में बैलगाड़ी बनाकर दे दी रामू काका ने। अरे इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ लिख लेते तो ये जोड़ घटाओ तो कर ही सकते थे। हाँ बाबूजी जब बात तो सही है। हाँ अब ये दिन में काम किया करो और शाम को मेरे पास पढ़ने आया करो। बाबूजी हाँ पहले तो हम आपको बनाएंगे जब फर्नीचर। हाँ पहले फर्नीचर बनाना। हाँ तो बना दोगे फर्नीचर? हाँ बना देंगे। ठीक है जयराम जी। जयराम जी जा रहे हैं। बाबूजी हाँ जरा संभल के जाना। हाँ संभल कर जाएंगे। अरे पानी पड़ा नहीं गिर पड़ोगे जाम। हाँ वो तो जब इतनी देर से सोचो कि इतनी बदबू आ कहाँ से रही है। इधर से जा रही है। ये देखिए कितनी कितनी गंदगी कर रखी। हाँ। तो
ध्यान ही नहीं गया मेरा इस पे। ध्यान नहीं गया? हाँ। आप फटनी चाहिए सोच रहे थे इसलिए। हाँ। अब वो ही तो देखे कितनी गंदगी कर रखी। बाप रे बाप, आज हमने मट्टी मंगाई डालने के लिए। अरे तो इतनी इतनी गंदगी में रहोगे तो आपको बीमारियां हो जाएंगी। हाँ, छोरा बीमार हो गया तो हमने शहर से जो नहीं पास में मकान गिर गया नहीं, वहां से मिट्टी मंगाई डालने के लिए। बीमार हुआ जब आपको समझ में आई। हाँ। तो आप भी बीमार होंगे जब ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। जय राम जी की। बाबूजी भी कुछ ही बोलते हैं, वो मजाक करते हैं बाबूजी। अब भैया पटेल साहब का पहिया तो बनाएंगे हम बाद में, पहला बनाएंगे हम बाबूजी का फर्नीचर। खड़े हो जाओ पटेल साहब। दिल चुरा लिया चले आते ही। अरे डॉक्टर भाई, अरे क्या हो गया भैया?
ढंग से इस्तेमाल किया था। अरे फिर क्यों? अच्छा ये बताओ, तुमने पूरा इस्तेमाल किया था? अरे पूरा इस्तेमाल किया था, पूरा इस्तेमाल किया था, पूरा इस्तेमाल किया था। अच्छा ये बताओ, तुमने पूरा पिया था ना? अरे पीने का था। तो तुमने क्या किया? अरे वो तो हमने वो जो आपने पैकेट दिया था, हाँ, जीवन रक्षक घोल, वो उसको यूं फाड़ा, हाँ, और यूं मिलाया, हाँ, और चीरा कर ले। अरे जीवन रक्षक घोल को पीने से दस बंद होते हैं ना कि छीछी साफ करने से? अरे तो मेरा आपको बता दी ना कि पीने का था। अरे तो भाई आप सुन ही कहाँ रहे थे, मैं तो बता रही थी आपको। अच्छा चलिए ठीक है, घबराइए मत, ये लीजिए एक और पैकेट पकड़िए। देखिए इस जीवन रक्षक घोल को फाड़ेंगे, पानी के गिलास में डालेंगे, गिलास में के? हाँ गिलास में डालेंगे, ठीक है, और फिर उसको खोलेंगे और पी लेंगे मुंह के रास्ते से। वो दिखाएंगे नहीं जी? ठीक है मैडम। अरे चीटी लग जाएगी, जाओ जाओ मैडम, जाइए जी, धन्यवाद। अरे का धन्यवाद, नेक्स्ट डॉक्टर। अरे रामू काका आपको क्या हुआ? लौंडा को लाटे लगा रही है। क्या मतलब? बाबा आगे से गिली पीछे से पीली कर रही है। अरे रामू काका आराम से बताइए, क्या हुआ आपके बच्चे को? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना लूज फैशन हो गया उसको। क्या लूज फैशन? हाँ लूज फैशन। ये कौन सी बीमारी है? अब आज दस्त लग गए। अरे अच्छा लूज मोशन लगे हैं। भाई तो कह रहा हूँ। अरे रामू काका आप बहुत मजाक करते हैं। अच्छा बताइए आपका बच्चा इतना बीमार कैसे हो गया? पता नहीं क्या उसने अंड बंड संड खा लिया तो वो बीमार। अरे नहीं मैडम। अरे नहीं रामू काका आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे कितनी गंदगी रखते हैं घर के बाहर, ये तो पूरा गांव जानता है रामू काका। अच्छा तो प्रताप बाबू ने बता दी तुमको? प्रताप बाबू ने बताई, हमारे कंपाउंडर ने बताई। अच्छा प्रताप बाबू कह रहे थे आपने आज ही मिट्टी बुलवाई है गड्ढों में डालने के लिए। चुगल घोटा है। अच्छा अरे रामू काका चुगल घोटा नहीं है, वो तो पूरे गांव की भलाई करना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए आप गांव वालों को समझाते हैं कि साफ सफाई से रहना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप समझते ही नहीं। जल्दी से दवाई दे तो, लड़का बीमार हो गया बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है जाओ दवाई लेके आओ। अच्छा रामू काका आप कचरा कहाँ डालते घर का? घर के बाहर डालते थे, अब बाहर नहीं डालेंगे। आज ही आपको अकल आई है। चलिए ठीक है फिर कहाँ डालेंगे? जहाँ कचरा पेटी में डालेंगे। हाँ बिल्कुल सही रामू काका, आप ध्यान रखिएगा आप इस बात का, है ना? जी हाँ जी। चलिए ठीक है ये ले लीजिए आप दवाई आपके बच्चे के लिए। देखिए ये वाली हिला के दो चम्मच पिला दीजिए। हिला के पिलानी है जी, और इससे मालिश कर दीजिएगा। इसे हिला के मालिश कर। हाँ ठीक है जयराम जी, जय जय। डॉक्टर ने भाई जी दवाई में दिन में दूं कि रात में दूं? अरे रामू काका देखिए आपको दवाई तीन टाइम देनी पड़ेगी। अच्छा? सुबह दोपहर शाम तीन टाइम। तीन टाइम देनी जी? हाँ दे देंगे, दे 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 दे। कौन सी बात है? ठीक है रामू, हाँ दे देंगे बाबे का। नेक्स्ट डॉक्टर नहीं भाई, अरे ये दवाई में दूध से दू की पानी से दू? अरे रामू काका देखिए दवाई थोड़ी कड़वी है, आप एक काम कीजिए आप दूध के साथ। दूध के साथ? हाँ दूध के साथ। तो उसमें कौन सी बात है, दे देंगे? बात करनी कल हटा। डॉक्टर नहीं भाई, अरे दूध में भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध? अरे रामू काका आपके पास क्या है? हमारे गांव में तो भैंस है। हाँ तो फिर ठीक है ना, भैंस का दूध दे दीजिए। भैंस को दे दो? हाँ। और दे देंगे, उसमें कौन सी बात है? रामू काका और दे देंगे। चलिए फिर बोले का एक बार प्लीज हटा। डॉक्टर नहीं भाई, भैंस भूरे रंग की हो या काले रंग की हो? अरे रामू काका देखिए हाँ? एक बात बताइए, भैंस भूरे रंग की और काले रंग की हो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। अरे दूध तो दोनों सफेद रंग का ही देती है ना। अरे दूध तो सफेद ही देती है। रामू काका आप भी मजाक करते रहते हैं हर बार। नहीं मैं भूल गया, अब नहीं आऊं। आप बताइए रामू काका प्लीज। नेक्स्ट अरे रामू काका आप फिर से आ गए। दूध मीठा दूं कि फीका दूं? क्या दूध में मीठा दूं कि फीका दूं? अरे रामू काका जब जब दवाई कड़वी है तो दूध तो मीठा ही देना पड़ेगा ना। दूध तो मीठा ही देना पड़ेगा। अरे इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती है? अब आ गई सोने। आ गई हो आप जाइए रामू काका। जय राम जी की। इधर से जाऊं?
नहीं इधर से नहीं नहीं इधर से जाइए इधर से ना हाँ जी वाह कौन सी बात है चल जाइए रमेश प्लीज डॉक्टर नहीं भाई अरे अरे अब क्या हुआ अब मीठे में गुड़ डालू शक्कर डालू कि गन्ना खोल लू क्या अरे रामू काका एक बात बताइए आप दूध में गुड़ डालेंगे तो दूध फट नहीं जाएगा कल ही फट गया था ये देखिए कल फट गया था फिर भी पूछ रहे हैं मेरे से रामू काका एक बात सुनिए आप दूध में शक्कर डालिए शक्कर डालें हाँ शक्कर डालेंगे हाँ जी एक बात और पूछने अब मैं शक्कर को घोलूंगा ऐसे क्या मतलब मतलब चम्मच से घोलू उंगली से घोलू कि लौंडे को खिला के लौंडा हिला दू काका लौंडे को खिला के लौंडा हिलाते चलो अरे अरे रुकिए देखिए रामू काका शक्कर को है ना चम्मच से घोलते हैं काका उंगली नहीं करते उंगली करनी गंदी बात अच्छा ठीक जय राम जी जाओ जाओ जाइए रामू काका प्लीज हाँ जा रहा फिर भूलगा एक बात और पूछना है एक बात नहीं एक बात हट जा सामने ओ मान गो डॉक्टर नहीं भाई अरे रामू काका बार बार क्यों आ रहे हैं तो आप पैसा कितना हुए अरे रहने दीजिए रामू काका पैसे की क्या जल्दी है आप जाइए हमें नहीं चाहिए पैसा तो देंगे अरे रहने दीजिए पैसा तो देंगे अरे बाहर अरे पैसा देंगे अच्छा ठीक है लाइए ये आपके हो गए 20 रुपए दे दीजिए 20 रुपए दू हाँ जी ये 20 रुपए खुल ले दू कि नोट दू मंडी से अरे आपके पास जो है वो दे दीजिए रामू काका नहीं ये तो मत दीजिए प्लीज आप जाइए प्लीज नहीं मैं मंडी से आ रहा तो खुल ले पैसे भी पड़े मेरे पास हाँ तो खुल ले दे दीजिए ये लो क्या करते हो खुल ले हते ना तो आवाज आई जय राम जी इधर से जा रहा अरे इधर से अरे काका नेक्स्ट डॉक्टर ने अरे ये अरे क्या है रामू काका अब घर साइकिल से जाऊं कि पैदल जाऊं कैसे भी जाऊं हैं मेरा मतलब है एक बात बताइए आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है ना हाँ। तो आप एक काम कीजिए साइकिल चलाकर ना जल्दी से चले जाइए साइकिल से जाओ हां साइकिल से जाइए जल्दी से जाओ हां जल्दी से जाइए साइकिल से जाओ हां साइकिल से जाइए जल्दी से जाओ अरे जल्दी से जाइए अपनी साइकिल तो लाया नहीं हां जा कंपाउंडर के ले जा अरे ले जा अरे ले जा अब तुमको क्या हुआ वो मेरी साइकिल ले गए रामू काका अरे नहीं ले जाएंगे तुम्हारी साइकिल उनकी तो मजाक करने की आदत है चलो नेक्स्ट सारे पेशेंट भगा दिए रामू काका क्या कर दे एक काम करो तुम क्लिनिक बंद कर दो अब कल देखेंगे चलो अरे भैया अरे सत्यानाश यार डॉक्टर ने भाई का ये ऐसी दवाई थी भैया कि लौंडा अभी भी गुलाटे लगा रही है अरे मर गए अरे रामू काका अरे कौन है भाई अरे क्या हुआ बन गया हमारा फर्नीचर अरे कहा बना फर्नीचर बाबूजी क्यों चोरा बीमार हो गया बाबूजी अरे तो बीमार हो गया तो डॉक्टर साहब को दिखाना था ना अरे डॉक्टर ने भाई को दिखाया था अच्छा तब से और ज्यादा बीमार हो गया क्या क्या मतलब डॉक्टर ने भाई के पास गए अच्छा उनसे खूब पूछा हमने हाँ उनने दो दवाई दी अच्छा ए रामू काका ये दो दवाई लेके जा अच्छा ये हिला के पिला देना अच्छा ये हिला के पिला दी और कहीं ये हिला के मालिश करना अच्छा तो ये हिला के मालिश कर दी लौंडा फिर भी देखता हूँ दवाई अरे रामू काका दवाइयाँ तो दोनों ही सही है अच्छा हाँ हा? और कौन सी पिलाई और किससे मालिश करी ये वाली है ना ये वाली ये वाली है? नहीं ये भी नहीं अरे फिर कौन सी पिलाई और किससे मालिश करी एक मिनट फंडा 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 ये क्या बंग ये वाली पिलाई अरे ये क्या कर रहा है अंडम फंडम ये अंदाजा होता है ये वाली पिलाई ये इसको पिलाई और इससे मालिश करी हाँ अरे ये क्या किया रामू काका तुमने हाँ। अरे जो पिलाने वाली दवाई थी उससे मालिश कर दी हाँ। वो जो मालिश वाली दवाई थी उसे पिला दी अरे बाबूजी अरे ये क्या क्या किया तुमने अब क्या होगा बाबूजी आप बुलाए कि नहीं डॉक्टर साहब को अरे कोई आगो भी दिला ना के लिए मैंने तुमसे इतनी बार कहा कि पढ़ो पढ़ो शिक्षा का महत्व समझो लेकिन तुम्हारे कान में
मैडम जी, इन्होंने पिलाने वाली दवाई से मालिश कर दी क्या? और मालिश वाली दवाई पिला दी। अरे ये क्या किया रामू काका आपने? अच्छा बाबा मामा, मैं मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई? शर्म नहीं आती आपको? आती है। अब कहाँ है रघु? अंदर। मैं अभी देख के आती हूँ। अंदर है। देखिए कितनी बार कहा तुमसे, पढ़ो पढ़ो, शिक्षा का महत्व समझो, लेकिन आपने तो एक बात नहीं सुननी हमारी। अब क्या होगा बाबू जी? अब क्या होगा? और ये घर के सामने इतनी गंदगी रख रखी है आपने। अरे पट्टी डलवा दे बाबू जी। अरे तो फिर भी तो गंदगी हो रही, उसके ऊपर भी तो देखो। अरे अब साफ सफाई रखूंगा, नोटा बच जा बाबू जी। अरे अब देखता हूँ डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, पता नहीं कब समझ में आएगी। रामू काका। हाँ। क्या हुआ मैडम जी? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जान बच गई, नहीं तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतनी बात समझाए तुमको, पढ़ो साफ सफाई रखो। अब गलती नहीं होगी। अब गलती, अब देखते हैं गलती होती कि नहीं। कसम तुम्हारी, तुम्हारे बालों की, अब गलती ना करेंगे। आपको समझा समझा के हम लोग तो थक गए। चलिए आपने कम से कम एक गड्ढे में जो गंदा पानी भरा था इसमें मिट्टी तो डाली। इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ आपको हमारी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। और ये मिट्टी डालने से मतलब नहीं, इसके ऊपर सफाई भी रखना चाहिए। इसके ऊपर झाड़ू लगाना है जो कचरा रखा है उस पे, समझ में आई? इनका बोलने का मतलब है ये जो पन्नी और कचरा ये सब है ना, यहाँ पे इस पे झाड़ू लगाना और कचरा सारा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देना। समझ में आ गई? क्या समझ में आई? जो गंदगी है ना, इसके ऊपर जो मिट्टी डाले, पानी के ऊपर मिट्टी डाल दी और मिट्टी के ऊपर जो कचरा है ना, उसको ऊपर से झाड़ के, ऊपर झाड़ रहा है, ऊपर से झाड़, ऊपर से झाड़ के साइड से कर देना। साइड से नहीं करना, तो कूड़ादान में डालना। कूड़ादान डाल, डब्बे में कचरा डाल, डाल डाल। देखो भाई तुमने हमको समझाई, तुमने भी हमको समझाई, और हमने भी प्रयास किया। प्रयास तो किया ना, अब हम सबको समझा देते हैं। रामू काका, हमने तो आपको समझाने का प्रयास किया, आप एक काम कीजिए, आप सारे गांव वालों को समझाने का प्रयास करिए। आप सबको समझाएंगे? ये हमने गाना भी लिख दिया। अच्छा अच्छा हाँ। गाना तो बहुत अच्छा है। आप समझाइए और मैं चलता हूँ। आप जा रहे? हाँ, ये लीजिए आपकी दवाई है। नहीं ये नहीं ले रहे हम। अरे तो आप तो अभी तो रखो, ले लीजिए रामू काका, मैं बता दूंगी आपको, रख दीजिए। अक्षर निशानी लगा देना। हाँ, ठीक है लगा दूंगी। ठीक है मैं चलता हूँ, जय राम जी, और ध्यान रखना। ठीक, चलिए रामू काका, मैं तो हूँ आपका गाना सुनने के लिए, सुनाइएगा। अरे रामू काका, आपको भी सुना दो गाना। इसको भी सुना दीजिए। अरे ओ काका, अरे हमें भी बता दीजिए। एक काम करें, जाके पीछे मट्टी डाल दें। रामू काका फिर से मजाक कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर, चलिए अब आप गाना सुनाइए। गाना सुनाइए। एक प्रयास और अभी, एक प्रयास और, 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 गंदगी मिटाने का एक प्रयास और, स्वच्छता लाने का एक प्रयास और, गंदगी मिटाने का एक प्रयास और, स्वच्छता लाने का एक प्रयास और, गंदगी रखते हैं रोग लगी जाते, अज्ञानता के कारण ही बचाने का।